हमने अभी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने 123 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्संस या तो अरेस्ट कर चुके हैं या डिटेन कर चुके हैं। जो ऐसी वीडियोज़ हैं जिससे कि मान लीजिए एनमिटी बिटवीन द रिलीजन्स और कास्ट होती है, उसको सर्कुलेट ना करें, वो ऑफेंस है और इस पर हमने नज़र रखी हुई है। सोशल मीडिया को हमारी दिल्ली पुलिस क्लोजली मॉनिटर कर रही है और इसमें भी हम जल्दी लीगल एक्शन लेंगे। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशली जल गए हैं, काफ़ी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25,000 रुपये कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्सग्रेशन रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चालू कर दें। और बैलेंस जो उनका है वो असेसमेंट हम कोशिश करेंगे दो से तीन दिन के अंदर असेसमेंट करके उन लोगों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है और फिर उनको बैलेंस चेक भी जल्द से जल्द हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे हैं। सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है, वो हमारे भाई है, हमारे बहन, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।